नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और आज हमारे चर्चा का विषय है CBT, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आज 10th of August 2020 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इसी दिवस पर हम एक CBT के बारे में थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमें अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है सो नॉर्मली ये CBT हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है या बिना CBT की हम कैसे अपने मेंटल स्टेटस को हेल्दी रख सकते हैं। अगर किसी को अपने मेंटल स्टेटस को हेल्दी रखना है तो उसे एक सिंपल फॉर्मूला समझना पड़ेगा जिसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, और वो ट्रायंगल है थॉट, थिंकिंग एंड बिहेवियर। थॉट यानी कि ब्रेन जो एक विचार प्रोड्यूस करता है पर डे, थिंकिंग कि हमारा उसके ऊपर थिंकिंग क्या होता है, और जो हमारी थिंकिंग रहेगी वही हमारी बिहेवियर होगा, फिर जो हमारा बिहेवियर होता है वही हमारा थॉट होता है। इसे समझना बहुत ही आसान है कि थॉट एक ऐसी चीज़ें है जो बनती रहती है, थिंकिंग हमारा उसके ऊपर पर्सपेक्टिव क्या है, और जो हमारा पर्सपेक्टिव वो हमारा बिहेवियर है, और फिर से ये जाके हमारे थॉट को रिलीज करना या किस तरफ का थॉट है या आना ये डिसाइड करता है। यानी कि आपकी बिहेवियर और आपके थॉट्स ये आपके थिंकिंग से ही कोरिलेटेड है। ये समझना आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं उसमें हम एक डिटोरेट थॉट्स को एक रियलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं। अब आप जैसे देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो बहुत ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब कोई थोड़ा कुछ बोल देता है मुझे स्ट्रेस लगता है, या मैं मेंटली ये चीज़ करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं हूँ, या मैं ये चीज़ नहीं कर पाती हूँ, किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी को नींद बिल्कुल नहीं आता है। अब ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते तो ऑफकोर्स सबसे पहली बात होता है कि क्या ये किसी बीमारी के कारण है, ये हमें रूल आउट करना पड़ता है और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि कोई अंडरलाइन जैसे डिजीज़ होती है, कभी हाइपोथायरायडिज्म के कारण होती है, कभी हाइपरथायरायडिज्म के कारण होती है, कभी विटामिन डी के कारण बहुत सारे सिम्टम आते हैं। उस सबको रूल आउट करने के बाद, सब ब्लड टेस्ट करने के बाद जब हमें ऐसा लगे कि कुछ नहीं है, तब हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो भी पेशेंट के थॉट्स को लेके या पेशेंट के मेंटालिटी को लेके या पेशेंट अपने से जो चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है उसके ऊपर इस CBT का असर दिखाया जाए या CBT थेरेपी करने की कोशिश करें। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये एक तरह का ऐसी थेरेपी है कि जिसमें हम इस ट्रायंगल को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक देना हो तो ऐसा होता है जैसे हम नए कपड़े पहन के गए हुए हैं और हम किसी स्कूल फंक्शन में जाते हैं या हम अपने सोसाइटी के सामने जाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं हमारे तारीफ करते हैं, कुछ लोग होते हैं हमारी बुराई करते हैं। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि सपोज़ कोई एक अच्छा सा कपड़ा पहन के गया है और बाहर बैठा हुआ है या वो अपने एक सोसाइटी में जाता है, उसे एक लोग होते हैं समुदाय के जो बोलते हैं कि आपका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं कि नहीं आपका कपड़ा काफ़ी बुरा है। नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि जो हमें नेगेटिव दिखती है या जो एक नेगेटिव पर्सन बोला होता है उस तरफ हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा जाता है क्योंकि हम उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोलते हैं। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि वो नेगेटिव को न छोड़ के जो पॉजिटिव पर्सन है कि हाँ अगर आधे लोग ने अच्छा बोला यानी कि मेरे अंदर काफ़ी खूबियाँ हैं, ये उनका एक थिंकिंग है। दूसरा कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो उस 50% को छोड़ के उस लोगों के ऊपर फोकस करें जिन्होंने उनको नेगेटिव बोला, और एक थर्ड टाइप के पेशेंट होते हैं जिनको कुछ भी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ती है क्योंकि उन्हें पता है कि दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी ट्रांजिएंट, इसका उनसे कोई वैल्यू नहीं है। सो जब तक कोई चीज़ हार्मफुल नहीं होती है, ये जो हमारा डेली बिहेवियर है, डेली थिंकिंग है, ये हमें बहुत काम आता है। यानी कि आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक ही कंडीशन है, एक ही ड्रेस का सिचुएशन है, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट ऐसा या पर्सन ऐसा सोचते हैं, फोकस ध्यान देते पॉजिटिविटी की तरफ, एक होते नेगेटिविटी की तरफ, और एक होता है जो न्यूट्रल होते हैं। यानी कि जब भी कोई आपके सामने सिचुएशन आता है तो आप या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव या तो न्यूट्रल रहते हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो स्टेज है वो है न्यूट्रल स्टेज, कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं देना पड़ता है। इसलिए थॉट को जब मैंने बोला थिंकिंग, वो थिंकिंग ना होके अगर वो एक इमोशन हो जाए तो जाके पेशेंट को एक मेंटल अनहेल्दीनेस की तरफ जाने लगती है या उसकी तरफ बढ़ावा होता है, क्योंकि थिंक करना या थॉट करना ये सबसे अलग बात होती है, लेकिन उसके ऊपर बार बार इमोशन देना ये बहुत ही
डिफिकल्ट बात होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को इमोशन, यानी कि हम उसके ऊपर खुश होने लगे या हमें ज़्यादा उसके ऊपर दुख होने लगे, तो फिर थोड़ी सी हमारी लायबिलिटी बनती है। सीबीटी के अंदर क्या होता है, सीबीटी के अंदर ये बहुत बड़ी कवरेज है या बहुत अलग अलग इसके अंदर भी सब टाइप्स होते हैं, लेकिन इससे हमें ये समझना है या हमें इसमें एक चीज़ सीखना है कि सीबीटी एक तरह का बिहेवियर थेरेपी है कि जिसके अंदर हम पेशेंट के सामने बैठते हैं, हम पेशेंट से बात करते हैं और पेशेंट को जो प्रॉब्लम होता है, जिस तरह से प्रॉब्लम होता है, उस तरह से हम उसके उस चीज़ को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को स्लिप के टाइम पे अगर ज़्यादा थॉट्स वगैरह आते या सो नहीं पाता, तो हमें उसकी तरफ से CBTI यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंसोम्निया, ये किया जाता है। और इसके बाद अगर किसी को कोई और डिफ़िकल्टी है तो उसी के साथ साथ हम उसे दूसरा थेरेपी कर सकते हैं। यानी कि इसके बहुत सारे अलग अलग सब टाइप्स होते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब CBT को लेके अभी भी हमारे GP प्रैक्टिशनर के बीच में शायद से उतना अवेयरनेस नहीं है। ये इस बात को देख के पता चलता है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं या कोई स्टूडेंट आते हैं या कोई अलग चीज़ के लोग आते हैं कि जो कहते हैं या जो बोलते हैं कि हमें ऐसी तरह की तकलीफ़ हो रही है, और हम डायरेक्टली ही उसे बोलते हैं कि आप इस तरह के मेडिकेशन ले लो, एंटी डिप्रेशन ले लो, एंटी साइकोटिक मेडिसिन ले लो, थोड़े टाइम के लिए ले लो, ये कुछ देर के लिए तो भले आपको काम करे बट लॉन्ग रन में ये बिल्कुल भी चीज़ें काम नहीं करती। सो मेंटल हेल्थ डे में हमें ये देखना है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इन फ्यूचर जो है वो आप इस CBT के बारे में सोच सकते हो। CBT सीखने का एक और बेनिफिट ये होता है कि CBT सीखने से आपका सेल्फ थिंकिंग या सेल्फ जो थॉट्स है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है या कैसे उसको डिच किया जाता है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। यही हम अपने पेशेंट को भी सिखाने की कोशिश करते हैं, और ख़ास करके हमने देखा है इसका इफेक्ट हमें स्ट्रेस इंड्यूस IBS के अंदर मिलता है, या IBS के अंदर जो स्ट्रेस्ड आउट पर्सन है उसके अंदर भी ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल करती है। बहुत सारे पेशेंट है जो पॉली अर्थराइटिस के ऊपर भी, जो क्रॉनिक है, जो पेन किलर से नहीं काम करते, उनके अंदर भी अलॉन्ग विथ मेडिकेशन हम लोग एक सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। यानी कि किसी भी पेन फैक्टर में या किसी भी अदर चीज फैक्टर में भी CBT को हम लोग एक एडिशनल सपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ी बात आपका ये है कि आप CBT के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि CBT से ही हमारा एक कॉग्निटिव बिहेवियर यानी कि हमारे थॉट प्रोसेस के जो एक्सिस है या जो ट्राइंगल है उसको हम हमेशा समझ सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट कि मेंटल हेल्दीनेस करने के लिए या मेंटल हेल्थ बना के रखने के लिए हमें एक गुड थॉट एक्सर्शन करना है, दूसरा उसके ऊपर थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसके बाद वैसी बिहेवियर होनी चाहिए। सो इस साइकिल को अच्छे से समझने के लिए या इस साइकिल को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हम एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ पेशेंट के अंदर कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि इस CBT के हेल्प से बहुत सारे पेशेंट जो है विदाउट मेडिकेशन दे आर नाउ लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। सो ऐसा नहीं है कि खाली मेडिकेशन के ऊपर ही बहुत चीज़ें कवर की जा सकती है। हमारे पास CBT जो है ये इमर्जिंग इन फ्यूचर बहुत अच्छी फील्ड है कि जिसे अगर हम थोड़ा सा भी समझ सके तो शायद अपने एक थिंकिंग को, अपने थॉट्स को या अपने मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, और इसी को पेशेंट के अंदर यूज़ करके उसको भी कुछ हेल्प तक एक अलग से हेल्प कर सकते हैं। CBT के लिए नॉर्मली ऐसा देखा जाता है तो अलग से एक डिग्री कोर्सेस होती है जो काफ़ी लोग करते हैं, बट इन इंडिया अभी भी जो है इतना फ्लरिश नहीं है क्योंकि अभी भी इसके कुछ प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस उतने क्लियर बने नहीं हैं कि कौन कर सकता है, कहाँ कर सकता है। बट येस, इन फ्यूचर अगर हम एज अ डॉक्टर या एज अ प्रैक्टिशनर थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में अगर अवेयर हो तो मैं विद 5-10-15 मिनट निकाल के हम अपने पेशेंट को इस चीज़ के बारे में अवेयर करा सकते हैं, और इससे उन्हें विदाउट एनी मेडिकेशन के एक मेंटल हेल्थ या मेंटल गुड थिंकिंग की तरफ ले जाके बहुत सारी लाइफ को हम बचा सकते हैं। सो होप सो आप इस चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे, और मेंटल हेल्थ स्टेटस जो कोविड पैंडेमिक के अंदर काफ़ी एक बिगड़ा हुआ है या बहुत तरह से डिस्टर्ब्स लोग हैं ड्यू टू मेनी रीज़न, उसके अंदर हमें विदाउट मेडिकेशन CBT का हेल्प लेना शायद से एक मैंडेटरी करना चाहिए फर्स्ट स्टेप में। अदर देन दैट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि CBT एक एडिशनल सपोर्ट जो है, एक थेरेपी है
इट इज़ नॉट अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, बट येस इट्स ऑलवेज वर्थ टू ट्राई. थैंक यू वेरी मच.